Hello students, like already in my previous videos I have discussed the 1 to 8 pages 1 2 3 4 5 6 7 8. Now today we will discuss about page number 9 as well as page number 10 of chapter number 1. Now on your screen there is a purple color box. In your purple color box there is a story given out there related to the various conditions which used to prevail in the village Palampur. Now on the left side of the screen, let's discuss. There is a question given. Why are farm laborers like Dala and Ramkali poor? ये farmer जो poor क्यों थे? क्योंकि वहाँ पर उनको जो है इसमें sufficient funds वगैरह available नहीं थे and they could not perform their farming activities in a proper way. Now ये stories वगैरह given है, अपने आप देखेंगे इसमें. If you have any problem, you can ask it. 6 पॉइंट यहाँ पर जो मेन चीज़ें वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ. द कैपिटल नीडेड फॉर फार्मिंग. अब होता क्या है कि लाइक इन माई प्रीवियस वीडियोज आई हैव डिस्कस अबाउट दैट मेनली द फार्मर्स इन द कंट्री इंडिया दे आर गोइंग टूवर्ड द ग्रीन रेवोल्यूशन. जब ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट करा जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, कई तरह की फार्मिंग टेक्निक्स वगैरह यूज़ करी जाती हैं. HYV सीड्स यूज़ करे जाते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करे जाते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करे जाते हैं, ग्राउंड वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड. Now, if all these things are required, then money is also taken into consideration. बिना पैसे के सारी चीज़ें मार्केट से अवेलेबल नहीं हो सकती. तो जब पैसे की ज़रूरत होती है तो इस सेशन के अंदर यहाँ पर मेनली ये बताया जाता है, इसी जो स्क्रीन पर आपके जो पेज है, पेज नंबर 9, इसके अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि हाउ द फार्मर्स विल अरेंज द मनी. जो अब ये जो फार्मर जो है इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, स्मॉल फार्मर्स हैं, मीडियम फार्मर्स हैं और लार्ज फार्मर्स हैं. लार्ज फार्मर जो रिच फार्मर्स होते हैं. इसमें फर्स्ट पॉइंट के अंदर यहाँ पर ये कहता है दैट द स्मॉल फार्मर्स यूज टू मेक द अरेंजमेंट ऑफ द मनी बाई बोरोइंग द मनी फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज. अब कहाँ से वो बोरो करते हैं मनी, अब देखिए अपनी स्क्रीन पर जो है इसमें टॉप स्क्रीन पर देखेंगे, फ्रॉम द मनी लैंडर्स, फ्रॉम द ट्रेडर्स और द साहूकार, एंड इन रिटर्न दे हैव टू पे आउट द इंटरेस्ट. अपनी टॉप स्क्रीन पर देखेंगे, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज वेरी हाई. तो इसके ऊपर इनको इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ता है, लेकिन जो इंटरेस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है. उसके बाद देखिए स्क्रीन पर देखेंगे, मैं जूम कर देता हूँ इसमें. ये सेकंड पॉइंट है. इन दिस सेकंड पॉइंट इट हैज़ बीन डिस्कस अबाउट इन कंपैरिजन टू द स्मॉल फार्मर्स. अब स्मॉल फार्मर्स मनी का अरेंजमेंट कहाँ से करते हैं, बाई बोरोइंग इट फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज. बट इन केस ऑफ द लार्ज फार्मर्स एंड द मीडियम फार्मर्स दे शू मेक द अरेंजमेंट ऑफ द फाइनेंस ऑफ द मनी ऑन देयर ओन. ये जो लार्ज और मीडियम जितने भी फार्मर्स होते हैं वो कहीं से भी जो फंड्स वगैरह बोरो नहीं करते हैं, वो उसका फंड्स का या मनी का जो अरेंजमेंट करते हैं वो करते हैं अपने आप. कैसे करते हैं, फ्रॉम देयर ओल्ड सेविंग्स, जो उनकी पुरानी सेविंग्स होती हैं उसमें से जो फंड्स वगैरह का अरेंजमेंट करते हैं, एंड फ्रॉम दिस मनी दे शू परचेज द वेरियस सीड्स, मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स फ्रॉम द मार्केट. Like already we have discussed about the various factors of production. It has been also given on your screen again. Land, labor and capital. These are the various factors of production. After this various fill in the blanks are given out there. This also you can solve it. Simple hai iske andar. Aur isme koi problem hai to aap puch sakte hai isme. Uske baad let us come to the page number 10. Starting mein wohi fill in the blanks wagera given hai. 7th point yahan par discuss karenge. Jo main point hai iska. इट इज़ अबाउट द सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर यह बताया जाता है, अभी तक हमने स्टडी करा कि फार्मिंग कैसे करी जाएगी. नाउ आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द फार्मिंग एक्टिविटी हाउ दिस फार्म प्रोडक्ट्स हैव टू बी सोल्ड आउट इन टू द मार्केट. नाउ इफ वी गो टू मार्केट, वेरियस टाइप ऑफ फूड ग्रेन्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. कोई शॉपकीपर जो है इसमें वीट बेच रहा है, कोई राइस बेच रहा है, कोई पल्सेस बेच रहा है, कोई और कम्योडिटी बेच रहा है. तो ये कम्योडिटी जो मार्केट के अंदर कैसे आती हैं इसके अंदर बताया गया है. लाइक जस्ट नाउ आई हैव डिस्कस की फार्मर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स. नाउ स्मॉल फार्मर्स जनरली हैव द स्मॉल साइज ऑफ लैंड एरिया एंड दे कुड नॉट प्रोड्यूस द सरप्लस फार्म प्रोडक्शन. जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा लैंड, बड़ा लैंड एरिया नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनका जो फार्म प्रोडक्शन है काफ़ी कम होता है. तो जो फार्म प्रोडक्शन काफ़ी कम होता है उसके लिए क्या करते हैं, दे शू कीप द कीप ऑल दीज प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस बाई दीज फार्मर्स, बाई द स्मॉल फार्मर्स फॉर देयर ओन. जितना भी प्रोडक्शन करते हैं स्मॉल फार्मर्स वो अपने लिए ही रख लेते हैं, दे डू नॉट सेल इट इन द मार्केट. अब मार्केट में कौन सेल करेगा, फिर मार्केट में सेल कौन करता है, इसमें मीडियम और लार्ज स्केल फार्मर्स करते हैं.
मीडियम और लार्ज स्केल फार्मर्स के पास जो लैंड एरिया होता है काफ़ी लार्ज होता है, और उससे क्या करता है, जब बड़ा लैंड एरिया होगा तो उनका जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होगा, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कुछ फार्म प्रोडक्ट जो वो अपने लिए रख लेते हैं अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, और बाकी का जो फार्म प्रोडक्ट है उसको मार्केट में वो सेल कर देते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन गिवन आउट बाय टेकिंग आउट द वेरियस एग्जांपल्स। और ये जो सेल जो करे जाते हैं फार्म प्रोडक्ट, ये या तो विलेज में ही सेल करे जाते हैं, या फिर जो इसमें जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं, उनको जो है सेल करते हैं। कौन सेल करता है इसमें? मीडियम फार्मर सेल करते हैं, या फिर जो लार्ज स्केल फार्मर्स हैं वो करते हैं। अब देखिए अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, एक इसमें एग्जांपल गिवन है, तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ वीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड्स। तो उसका जो टोटल प्रोडक्शन जो है 350 क्विंटल्स है, थोड़ा बहुत वो अपने पास रख लेगा सेल्फ कंजम्पशन के लिए, एंड रेस्ट ऑफ द फार्म प्रोडक्ट ही विल सेल इट इन द मार्केट। अभी देखिए ये अपनी स्क्रीन टॉप पर देखेंगे, ही ऑल्सो यूज हिज सेविंग टू अरेंज फॉर वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। अब होता क्या है कि जितने भी मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो अपना जो सरप्लस मतलब जितना भी एक्स्ट्रा फार्म प्रोडक्शन होता है उसको मार्केट में सेल करते हैं। सेल करने के बाद उनके पास जो पैसा आता है उस पैसे को सेव कर देते हैं, चाहे बैंक में करें या कहीं पे भी वो सेव करें, और उस पैसे में से जो नेक्स्ट ईयर का जो फार्म प्रोडक्शन होगा उसके लिए पैसा वहीं से निकालते हैं फ्रॉम देयर ओल्ड सेविंग्स। चाहे उन्होंने ट्रैक्टर परचेज करना है या कोई भी इसमें थ्रेशिंग मशीन परचेज करनी है या सीड या मैन्योर्स वगैरह परचेज करने हैं, दे शुड मेक द अरेंजमेंट ऑफ द मनी फ्रॉम देयर ओल्ड सेविंग्स। अब देखिए इसमें ये थर्ड लाइन में देखेंगे आप, इसमें ये टॉप लाइन पर देखेंगे, अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो इसमें जो सेविंग्स होती हैं उसमें से पैसा जो है वो खर्च करा जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए, चाहे वो ट्रैक्टर्स परचेस करने हैं या फिर कोई और मशीनरी वगैरह परचेस करनी है या किसी और एक्टिविटी के लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इट इज़ अबाउट द नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। नाउ ही सेइंग, इसमें लिखा हुआ है, इसमें देखिए फोर्थ लाइन पर देखेंगे अपनी स्क्रीन पर, ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज इन एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर। तो क्या कहता है इसके अंदर कि जो मेन ऑक्यूपेशन है पालमपुर की वो तो क्या है इसमें, एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग है, बट आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हुई एंगेज इन द फार्मिंग एक्टिविटीज, टोटल पॉपुलेशन में से 25% ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज एंगेज इन द अदर एक्टिविटीज़ विच आर नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। मतलब इनडायरेक्ट वे में है तो जुड़ी हुई एग्रीकल्चर से, लेकिन प्रॉपर एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई नहीं है, तो अदर एक्टिविटीज़ जो होती हैं एग्रीकल्चर से उसमें एंगेज है कितनी, 25% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज पालमपुर। इससे रिलेटेड कई सारी एक्टिविटीज़ हैं। अब ये इस पेज पर एक एक्टिविटी के बिना इसमें डेयरी फार्मिंग, मैनी ऑफ द फार्मर्स इन द विलेज पालमपुर दे आर एंगेज इन द डेयरी फार्मिंग प्रोडक्शन। डेयरी फार्मिंग के अंदर क्या होता है, इसमें कॉज और बफलोज वगैरह को इसमें फीड करा जाता है, एंड आफ्टर दैट दे शुड टेक आउट द मिल्क एंड दिस मिल्क इज सोल्ड आउट इन टू द मार्केट। अब देखिए विलेज पालमपुर के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें, ये टॉप लाइन पर देखेंगे, टू ट्रेडर्स ऑफ शाहपुर टाउन हैव सेट अप द कलेक्शन एंड चिलिंग सेंटर एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज। तो एक जगह है वहाँ पर रायगंज, वहाँ पर जो इसमें कलेक्शन सेंटर बनाया गया मिल्क का, विलेज पालमपुर के जितने भी लोग डेयरी फार्मिंग में एंगेज हैं वो मिल्क को कलेक्ट करते हैं, इनको रायगंज में सेल करा जाता है, और रायगंज में कलेक्शन सेंटर है, वहाँ से फिर मिल्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है इन द डिफरेंट टाउन्स एंड द डिफरेंट सिटीज़। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।